अस्सलाम वालेकुम ले जी, एक और वीडियो है ये देखें आप। उस तरफ अगर देखेंगे तो आपको कचरे के ढेर नज़र आएंगे, बदबू नज़र आएंगे। जबकि उस तरफ ये आप देखें, अब ये सोसाइटी वालों ने यहाँ पे इसको नाले को कर दिया है बंद। सफाई तो इसकी यहाँ पर नहीं होती है, आप देख रहे हैं क्रैक पड़े हुए हैं सड़क में। यहाँ पर पानी खड़ा होता है तो क्रैक पड़ जाते हैं, थोड़े खराब होते हैं। ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हमारा मुल्क, जो गंदम का बहरान पड़ा हुआ है, और जो है ना बरसात में मेंढक की तरह हाउसिंग सोसाइटी पड़ रही है। पागरव हाउसिंग सोसाइटी है, ईडन हाउसिंग सोसाइटी है, फिर उन्होंने कितनी ही करप्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने फाइलें बेची, लेकिन कुछ 10-15 साल हो गए उनको प्लाट मिले ही। तो मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोई भी सोसाइटी बनती है, एक तो वो अपने आसपास जो है ये सड़कों का नालों का ज़िम्मा है उसका होना चाहिए सफाई का, और उसके अलावा जो है ये रजिस्ट्रीज दें लोगों को। किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होना चाहिए। फैमिलीज तबाह बर्बाद हो गए, खानदान तबाह बर्बाद हो गए, ठीक है। धड़ाधड़ ये फाइलें कागज़ बेचे जाते हैं, बाद में पता चलता है जी जो है 10-10 साल कोर्ट कचहरियों में, नैब में, LDA में। उसकी बात यह कि LDA वालों के बंद विंडो पर जाके पूछे ना कि ये सोसाइटी फ्रॉड तो नहीं है। नहीं जी ठीक है जी, ले लें आप। वो 10 साल, 2 साल, 3 साल, 10-15 साल बाद जब जुड़ते हैं तो पता चलता है। तो गवर्नमेंट को अपना बड़ा अहम रोल अदा करना चाहिए, ये बच्चों लोगों के साथ जो है ना धोखे फ्रॉड नहीं होने चाहिए।